माली था, गुरुदेव की इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए दीक्षांत समारोह सत्र 2020-21 में उपस्थित छात्र छात्राओं, विद्वज्जन एवं अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हर शिक्षण संस्थान का आभूषण उसके छात्र छात्राएं हैं, परंतु महामारी के कारण विश्व भर में आज शिक्षण संस्थाएं अलंकार रहित है, वीरान है, किंतु फिर भी आज हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि दीक्षांत समारोह सत्र 2020-21 के कारण हम सब आज अमरकुंज में एकत्रित हो पाए हैं। साथ ही हमें खेद है, हम व्यथित हैं कि चाहते हुए भी अधिक से अधिक मात्रा में छात्र छात्राओं को हम आमंत्रित नहीं कर पाए। उम्मीद है आने वाले थोड़े समय के भीतर ही सब कुछ एक बार फिर से पहले जैसा हो जाएगा। महामारी को मात देकर विश्व फिर से जाग उठेगी। यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त छात्र छात्राओं, विद्वज्जन एवं अतिथियों से सविनय अनुरोध है कि आप सब कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया COVID-19 से संबंधित सतर्क वार्ता का उल्लंघन ना करें। आज इस दीक्षांत समारोह के तहत हमारे आचार्य महोदय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से अपना आशीर्वचन देंगे। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक महोदय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ महोदय उपस्थित रहेंगे। आइए शैक्षणिक प्रक्रमण की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच माननीय श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक महोदय प्रधान अतिथि के रूप में विराजमान है। आप भारतवर्ष के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। हम सब अत्यंत भाग्यशाली है कि इस महामारी के बीच भी हमें आपका सानिध्य मिला। श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक महोदय डायस की ओर आगे आ रहे हैं।
राष्ट्रगान के लिए सब कोई खड़े हो जाए। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्पल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आइए वेद गीत की ओर बढ़ते हैं। Oh,
সম্মানীয় অতিথিদেরকে নিবেদন করা হচ্ছে যে আপনারা আসন গ্রহণ করুন। আব হামারে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় প্রফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী জি সে নিবেদন হ্যায় কি কৃপয়া দীক্ষান্ত সমারোহ সত্র 2020-21 কে শুভ আরম্ভ কা অনুমতি দে। উপাচার্য হিসাবে 2020-21 সালের সমাবর্তন সভা শুরু করার आदेश हमें दीची। मैं घोषित करता हूँ दीक्षांत समारोह 2020-2021 का शुरुआत करें। आई डिक्लेयर द कॉन्वोकेशन ओपन। अब मैं माननीय उपाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि इस समारोह के उज्जवल व्यक्तित्व को शांति निकेतन के परंपरा अनुसार संवर्धित करें। अब प्रदीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं।
हमारे माननीय उपाचार्य महोदय हमारे अतिथियों का अपने शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे। सब प्लीज। सबाई के जाना हमार सश्रद्ध नमस्कार। 2021 साल समावर्तन सभाय आसार जो अपन जाना स्वागत एवं आंतरिक अभिनंदन। এটা ঠিক সমর্থন সভার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছাত্ররা, কিন্তু অতিমার জন্য আমরা ছাত্রছাত্রীদের সময় ডাকতে পারিনি, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমাদের অতিথিবৃন্দ বাঙালি নন, তাই আমি হিন্দিতে আমার সম্বোধন করব। আমি বিশ্বভারতী আচার্য তথা ভারত কে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, বিশ্বভারতী কা প্রধান মাননীয় শ্রী জগদীপ ধনকরজি, ভারত কা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্কজি তথা বিশ্বভারতী কা সমস্ত মেরা দোস্ত শৈক্ষিক অশৈক্ষিক কর্মীগণ, সমস্ত ছাত্র ছাত্রাও তথা আমন্ত্রিত সুধীজন, সবাই সবকে হাম নমন করতে হ্যাঁ। বিভিন্ন ভবন কা বিএ এমএ এমফিল তথা পিএইচডি কা লগভগ 2500 স্নাতক আজ আপনা উপাধি গ্রহণ করেঙ্গে। ইয়ে বিশ্বভারতী আপ আপ সব স্যার আপকে লিয়ে মানে বলনা চাহতা হুঁ, বিশ্বভারতী কা স্থাপনা হুই 1921 में और 1951 में ये पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ था जिसको कहा गया इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और ये विश्व भारती के साथ नाम जुड़ा हुआ हिंदुस्तान का एक जाने माने कवि, जाने माने समाज सुधारक, जाने माने ह्यूमैनिस्ट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये ऐसा धरती है जहाँ पे गुरुदेव टैगोर घूमते रहते थे, यही स्कूल का आंगन है। रविंद्रनाथ के शिक्षा दर्श और भारत सरकार का नया शिक्षा नीति में कुछ फर्क नहीं है, इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी और विस्तार से बोलेंगे। लेकिन मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था सर के साथ, तब सर ने कहा जो गुरुदेव का जो शिक्षा नीति था और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ज़्यादा अंतर नहीं है। गुरुदेव के जो कहना था कि शिक्षा का मेन उद्देश्य नौकरी मिलना नहीं, शिक्षा का मेन उद्देश्य मनुष्य बनाना। ये मनुष्य बनाने का जो काम, ये काम गुरुदेव ने किया था सही ढंग से अपना तरीका से। ये आज पूरा दुनिया में स्वीकृत है जो गुरुदेव का जो चिंताधारा विचारधारा जो भारत में कभी उस तरह स्वीकृत नहीं हो पाया, आज स्वीकृत हो गया। इसके लिए मैं सर आपको आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपका मार्गदर्शन से ये हो पाया। कोशिश हम लोग कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि आप जैसा नेतृत्व हिंदुस्तान को कभी मिला नहीं। और ये सौभाग्य की बात है सर, आप खुद ही आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिसका होता आप हो, आप खुद ही इसके बारे में बात करेंगे। हमारा सहकर्मी है, स्टूडेंट्स है इसके सामने, तो आपको पता चलेगा कितना मेहनत सर ने किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए। और सर बार बार ये कह रहा था जी, इसके लिए गुरुदेव से मैं धन्यवाद देता हूँ कि गुरुदेव ये जो विचारधारा बहुत पहले बता चुका। और दूसरी काम के लिए मैं सर को पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका और से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर का मदद से ये विश्व भारती का दूसरा परिसर हम लोग रामगढ़ में खुलने जा रहा है। आपको पता है रामगढ़ में गुरुदेव 3-4 बार गए थे, पहला जो जर्नी पहला जर्नी का सिलसिला शुरू हुआ 1904 में, उसके बाद और 3-4 बार गए थे, वहाँ पे एक मकान भी खरीदा और थोड़ा जमीन भी खरीदा।
माननीय शिक्षा मंत्री जब उत्तर प्रदेश का इनका संस्कृति मंत्री थे तब से ध्यान था वहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो सर ने अभी ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा अग्रसर हुए। सर कल मेरे को बताया जमीन के बारे में बातचीत लगभग कंप्लीट हो जा रहा है। तो सर आपका मदद से ये रामगढ़ का कैंपस बनने वाला। और विश्व भारती के बारे में थोड़ा सा दो चार शब्द मैं कहूँगा। ये कोरोना काल में जो सर आपका ध्यान था इसके बारे में, कोरोना काल में विश्व भारती लगभग हर डिपार्टमेंट से इवन स्कूल का बच्चों भी ऑनलाइन क्लास किया, ऑनलाइन क्लास हुआ, ऑनलाइन में हम लोग एग्ज़ाम कॉन्डक्ट किया, ऑनलाइन में हम लोग जितना शिक्षा के लिए जो जो करना चाहिए सब कुछ किया। तो सर ये आपका सपोर्ट बिना नहीं हो पाता, क्योंकि आपका सपोर्ट से जो इंटरनेट फैसिलिटीज MHRD से मिला, ये हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी मिला, सर के मदद बिना नहीं हो पाता। मैंने जब भी यहाँ पे कोई दिक्कत होता था तभी मैं सर को फ़ोन करता था, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा इसको थोड़ा एड्रेस करिए एंड आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एंड ये विश्व भारती के लिए खुशी का बात है जो माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार का हमारा बात सुन के तुरंत ऐसे इंतज़ाम किया जो अभी कोई डिपार्टमेंट में सर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सर जो अगर क्रेडिट देना है तो मेरा सामने बैठा है माननीय शिक्षा मंत्री का क्रेडिट देना है। मेरा जस्ट एक फ़ोन करना, मैं फ़ोन करने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं जो मंत्री जी खुद अपना इंटरेस्ट लेके ये करवाएंगे एंड ये करवाया। विश्व भारती के लिए अभी आप जानते हैं सर कई प्रॉब्लम चल रहा है। एक प्रॉब्लम चल रहा है जो बाउंड्री लेके मैं सर आपको बताना चाहता हूँ और आप लोग को भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। विश्व भारती में सब मिला के 1138 एकड़ जमीन है, उसमें लगभग 77 एकड़ जमीन कब्जा हो गए। तो मैं ज्वाइन करने के बाद हमारा कोरी का मदद से हम लोग थोड़ा जमीन रिक्लेम करने का जो प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ जो जल्दी जल्दी वो 77 एकड़ जमीन जो कब्जा हो चुका वो विश्व भारती के वापस आ जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरे सर यहाँ पे आप जानते हैं ये जो कैंपस है, ये कैंपस है पूरा कैंपस, यहाँ पे कई दीवार फेंस वगैरह नहीं था। एक ज़माने में शायद ये सही था लेकिन आज जिस तरह समाज बदल रहा है इसमें हमने सोचा था कि फेंसिंग करना चाहिए। अभी एक दो महीने पहले हमने मेला ग्राउंड का फेंसिंग कर लिया, उसके लिए काफ़ी समस्या हुई, वो आपको पता है सर, पूरा दुनिया को पता है। लेकिन हमारा जो दोस्त है, हमारा जो यहाँ पे जो मददगार है, सब मिलके हम लोग यहाँ पे वो फेंसिंग कर लिया। तो विश्व भारती का जो आज छात्र छात्राओं को डिग्री मिल रहा है ये समाज के लिए काम करे, यही गुरुदेव का आशा था, यही गुरुदेव का भरोसा था। मैं भी उम्मीद करता हूँ जो आज BA MA PhD डिग्री लेके घर जाओगे उसके बाद ये ध्यान रखना ये डिग्री सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, ये नौकरी है समाज के लिए काम करने का, समाज के लिए सुधार करने के लिए और गुरुदेव का जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाने के लिए। और विचारधारा आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार है और हमारा सामने बैठा हुआ भारत सरकार का माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे बैठे हुए हमारा एक डॉक्टर जो इसको एक रुपया का डॉक्टर कहता है सुषमा, ये इस साल इसको पद्मश्री दिया गया हिंदुस्तान सरकार से, ये आज भी 57 सातवां साल एक रुपया लेके चिकित्सा कर रहे हैं अभी भी। तो ये विश्व भारती का बहुत नज़दीक है, काम क्या बहुत कुछ, जब भी मैं बुलाता हूँ तभी सुषमा आते हैं मदद करने के लिए। तो सुषमा आपको मैं धन्यवाद देता हूँ पर्सनली। मुझे मालूम है आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं मंत्री जी का सुना और सब जो हमारा अतिथिगण आए हुए, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ जी हम लोग आगे बढ़े एक साथ, गुरुदेव का जो आदर्श था ये सब लोग मिलके चलो। जो गुरुदेव का बाद में उत्तर प्रसाद सिंह जी कहते सबे मिले कोड़ी काज हारे जीत नाही लाज, उसका मतलब है हम सब मिलके काम करते हैं, इस काम में हार जीत का सिलसिला नहीं है,
सबसे गुरुत्वपूर्ण सिलसिला है जो हम लोग सब मिलके एक साथ काम कर रहा है। तो इसी उम्मीद से मैं आपको फिर दोबारा नमन करता हूँ और सर को मैं फिर आह्वान करता हूँ सर का भाषण रखने के लिए। तो शुरू होगा, थोड़ी देर बाद गवर्नर साहब आएंगे एंड प्राइम मिनिस्टर साहब भी 11 बजे हम लोग साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा विभाग श्रीमान संजय धोत्रे महोदय हमारे साथ डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे, हम उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे माननीय उपाचार्य महोदय से निवेदन है कि अपनी वाणियों से उनका स्वागत करें। जैसे मैंने पहले कहा, आज ये पूरा नक्षत्र आ गए। माननीय शिक्षा मंत्री है और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सामराव धोत्रे साहब भी हमारा अभी लाइन पे आ गए, तो भी अपना विचारधारा रखेंगे। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये श्री धोत्रे साहब महाराष्ट्र का रहने वाला, धोत्रे साहब का जो रिकॉर्ड है 2004 से आज तक लोकसभा चुनाव का हर टाइम जीते रहे, और अभी नया शिक्षा नीति के बारे में जो सर का जो मददगार है वो धोत्रे साहब। तो मैं बहुत खुशी का बात है कि धोत्रे साहब मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया एवं बोलने के लिए तैयार हो गए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी अनुरोध करूँगा धोत्रे साहब का अपना विचारधारा रखें। नमस्कार। आजकर विश्व भारतीर समापन अनुष्ठाने आर किचुन खोनेर मुदे प्रतिज्ञा भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंचे उपस्थित पश्चिम बंगाल माननीय राज्यपाल श्री जगदीश धनखड़ जी प्रतिभावान एवं आमार वरिष्ठ सहकर्मी भारतेर शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी विश्व भारतीर सुयोग्य उपाचार्य प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी विश्व भारतीर अध्यापक अध्यापिकागण समस्त कर्मचारी वृंदो आजेकर अनुष्ठानेर पुरस्कार प्राप्तो सकल स्थानोकर एवं अभिभावक वृंदो आर समस्तो छात्रो छात्रीगण सर्वप्रथम आमी समस्तो सफल छात्रो छात्री आर तोदेर अभिभावक देर शुभेच्छा आर अभिनंदन जानई। आपनादेर अक्लांतो परिश्रम पराशुना आर पथोनिर्देश दाराई आपनादेर ही ख्याति अर्जन। कोरोना महामारी समय समस्त समस्यार मुखोमुखी होयो आपनादेर यही साफल्य सत्यई प्रशंसनीय। आमी विश्व भारतीर उपाचार्य एवं समस्त अध्यापक अध्यापिका आर कर्मचारीदर के वो आभार अभिनंदन जाने। प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप अपने शिक्षा जीवन से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। माता पिता गुरु शिक्षा संस्थान समाज आदि से ज्ञान को अर्जित कर आपने अपने पंखों को मजबूत किया है। जो सीखा उसे अप्लाई करने की एग्जीक्यूट करने की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। आप में से कई लोग आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं आज महर्षि देवेंद्रनाथ और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के दूरदृष्टिता को अभिवादन करता हूं। विश्व भारती की अभिनव संकल्पना को लेकर उसे मूर्त रूप में साकार करने तक उनके विचार दृष्टि का प्रतिबिंब जगह जगह दिखता है। गुरुदेव कहते हैं, चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो, जेथा गृहेर प्राचीर। आपण प्रांगणातले दिवस शर्वरी, वसुधारे राखे नाही खंडो खंडो शूद्रो कुरी। ऐसे परिवेश की परिकल्पना हमें विश्व भारती में दिखाई देती है।
शिक्षा केवल विषयों के किताबों का अध्ययन नहीं है, शिक्षा जीवन का अध्ययन है। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, विज्ञान, गणित ऐसे बहुआयामी अध्ययन से छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। हम जीवन की इन शाखाओं को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर बंद नहीं कर सकते हैं। यह मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंड फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट, इम्पोर्टेंस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इम्पोर्टेंस टू लर्निंग इन लोकल लैंग्वेज, वोकेशनल एजुकेशन, फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन, सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी सिस्टम, ऐसे अनेक प्रावधानों के साथ हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए यह नीति आई है और हम आप सभी इस यात्रा में ट्रस्टेड पार्टनर हैं। साथियों, आज का भारत उम्मीदों का भारत है, आशाओं का भारत है, अवसरों का भारत है। कोरोना का डटकर मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को भी अपने साथ आगे ले जा रहे हैं। हमारी कोविड वैक्सीन दुनिया के कई देशों को सहायता करने के लिए भेजी जा रही है। कोरोना काल में हमारे देश की संस्थाओं ने, उद्यमियों ने, युवाओं ने इतना बढ़ चढ़कर योगदान किया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा है। हमारी सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नियमों को और सरल बनाया, डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी और मजबूत बनाई कि अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी मुमकिन हो गया है। टेलीकॉम नेटवर्क को मजबूती देने के लिए पिछले 6 वर्षों में हमने BTS और टावर की संख्या बढ़ाई। 2014 में जहां BTS 6.5 लाख थे, आज 22 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। पूरे देश में 220% से ज्यादा वृद्धि हुई है और पश्चिम बंगाल सर्कल में यह वृद्धि तो 360% है, ये कहने में मैं गर्व महसूस करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी इस विकास यात्रा में सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह हमारा मूल मंत्र है। आज विश्व के लिए मददकारक परिस्थिति आदरणीय मोदी के नेतृत्व में बनी हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है, जटिल नियमों को आसान बनाया जा रहा है। दुनिया में डाटा सबसे सस्ता भारत में मिल रहा है। घर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत काम चल रहा है। भारत नेट द्वारा दूर गांवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जा रही है और PM वाणी के तहत वाईफाई का प्रसार पूरे भारत भर में करने का काम शुरू हो गया है। स्टार्टअप्स की दुनिया में हमारे युवा कमाल का काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथियों, इसका राज क्या है? इसका राज है नीति, नियत और नेतृत्व। और अगर किसी भी संस्था में यह तीन सही है तो विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों, डिजिटल इंडिया हमारे लिए केवल एक स्लोगन नहीं है तो वह है भारत को $5 trillion इकोनॉमी बनाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता। और मुझे खुशी है कि आप जैसे युवा इस रास्ते पर अपने देश को और आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इंडियन रेनेसांस में बंगाल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी, स्वामी विवेकानंद आदि ने हमेशा नई और सही राह दिखाने का कार्य किया है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बंगाल के अनगिनत शूरवीरों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। उनका त्याग और तपस्या हमें हमेशा याद रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनन्य साधारण कार्य को भूला नहीं जा सका। यह ऐसी मिट्टी है जिसके कण कण में राष्ट्रभक्ति गूंजती है और जिसके रग रग में राष्ट्रप्रेम दौड़ता है। भाइयों और बहनों, नए भारत के निर्माण के लिए आप जैसे होनहार युवाओं की आवश्यकता है। हम हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में भारत के शिक्षा संस्थानों को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टे इन इंडिया
स्टडी इन इंडिया के माध्यम से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। भारत में रिसर्च इकोसिस्टम मजबूत हो, हमारी अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए रिसर्च हो, इसके लिए अभी अभी बजट में अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए अलॉकेट किए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था का लाभ उठाइए, ओरिजिनल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च आदि में काम कीजिए। फ्रेंड्स, फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, हेल्थ आल्सो रिक्वायर अटेंशन ऑफ यंग इनोवेटिव एंड केयरिंग सेंसिटिव माइंड्स। हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस हेल्प इन रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग द ऑपरेशंस इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर? What can you do to ensure energy security? पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल कैसे उपलब्ध किया जाता? I urge you all to devote your energy and intellect to find solutions to the problem faced by our fellow citizens. Innovate and develop technologies to address these issues also. मित्रों, इंडस्ट्री 4.0 दस्तक दे चुका है। नई टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि में अपार संभावनाएं भी है। क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम हमारे आसपास के समस्याओं पर काम कर सकते हैं? क्या हमारे आसपास दिखने वाली समस्याओं पर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। साथियों, आप नई दिशा में, नए क्षेत्र में निश्चय से आगे बढ़ेंगे। मेहनत और लगन से काम करोगे तो सफलता आपके हाथ आएगी आएगी। कभी कभी विफलताएं भी मिलती है, तो क्या हुआ, हम अनुभव से भी सीख लेते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, वी डोंट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस बट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस। अपने रास्ते पर डटकर चलिए, धैर्य रखिए, पर इस पूरी यात्रा में अपने मूल्यों को अबाधित रखिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ द वैल्यूज एंड लिव अ लाइफ विथ अ पर्पस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। विश्व भारती परिवार के सभी सदस्यों का भी इस शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ और मेरी तरफ से आपको आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर, आपकी बातों से हम अत्यंत लाभान्वित हुए। आगे बढ़ते हुए संगीत भवन की ओर से एक संगीत की छोटी सी प्रस्तुति। ব্রহ্মধাম জয় জয় গঙ্গে জয় যদি দুঃখে
भय तबु नाही भय যদি দৈন্য বধিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয় যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয় জয় জয় ব্রহ্মের জয় মোরা আনন্দ মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন জয় জয় আনন্দ মন সকল শিষ্যে সকল বিশ্বে আনন্দ জয় জয় আনন্দময় আনন্দ চিত্ত মাঝে আনন্দ সর্বকাজে আনন্দ সর্বতারে দুঃখে বিপদ জালে আনন্দ সর্বদুঃখে মৃত্যু বিরহ শোকে জয় জয় আনন্দময় মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हमारे उपाचार्य महोदय से निवेदन है कि हमारे प्रमुख अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक महोदय को एक बार फिर से आमंत्रित करें ताकि उनके शुभ वाणियों का हम लाभ उठा सकें। नमस्कार। आज के जिन प्रधान अतिथि तार सम्बन्धे किछु बला खूब मुश्किल तार कारण तिनि एकजन कर्मयोगी तिनि काजे विश्वास करें बक्तृता बा आलोचनार दिके नजर तार कम आमार संगे परिचय हय बेश अनेक दिन आगे আপনারা জানেন আমরা সবাই খুব চিন্তিত কারণ গঙ্গা দিনে দিনে বিষাক্ত হচ্ছে গঙ্গার জল পলিউশনের জন্য সেই গঙ্গার জলকে শুদ্ধ করার জন্য একটা আন্দোলন উনি চালান যে আন্দোলনটার নাম হচ্ছে স্পর্শ গঙ্গা সেই থেকে আমার সঙ্গে পরিচয় এবং আজকেও এই আন্দোলন চলছে এবং গঙ্গার যে আপনারা বিশুদ্ধ জল পাচ্ছেন এদিকে কলকাতা ইত্যাদি দিকে তার কৃতিত্ব কিন্তু অনেকটাই আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শুধুমাত্র এই কাজই নয় ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সম্বন্ধে যেটা আমি আগে বলেছিলাম ব্যাপারে ওনার যে ভাবনা চিন্তা সেটা যুগান্তকারী কেন যুগান্তকারী তার কারণ এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমরা কিন্তু অনেকেই ভাবছিলাম যে আমাদের শিক্ষানীতির মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই আমরা বিদেশি ভাবনা চিন্তা দিয়ে আমাদের দেশকে দেখার চেষ্টা করি দেশকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি দেশকে বোঝার চেষ্টা করি তার ফলে আমাদের গবেষণার মধ্যে আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোনো স্বকীয়তা প্রকাশ পায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমরা বিদেশি ভাবনা চিন্তার অনুকরণ করে ওদের মতো করে আমাদের দেশকে ভাবনা চিন্তা করার চেষ্টা করছি তাতে সঠিক জ্ঞান কিন্তু হয় না তো সেই রাস্তা থেকে বেরোবার যে উপায় সেই উপায়টা আমরা পাচ্ছিলাম না এতদিন আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন এবং তার ফলস্বরূপ আপনারা পেয়েছেন 2020 সালের নূতন শিক্ষানীতি এছাড়া আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা নিয়ে যে আগ্রহ আছে তার প্রমাণ হচ্ছে উনি কিন্তু সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখার চেষ্টা করেন উনি উপাচার্যের চিঠিতে খুব বেশি গুরুত্ব দেন না উনি যান
নিজের দৃষ্টিতে দেখেন, নিজের ভাবনা চিন্তায় আলোচনা করেন, তারপরে সিদ্ধান্ত নেন। আনন্দের কথা, বিশ্বভারতীর ব্যাপারে ওনার বিশেষ দুর্বলতা আছে। তার কারণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাকে উনি প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসেন। আপনি যদি ওনার ড্রয়িং রুমে যান, দেখবেন গুরুদেব একটা বড় ছবি আছে এবং গুরুদেবের কবিতা উনি পড়েন। শুধু তাই নয়, সেই সমস্ত কবিতার হিন্দি ট্রান্সলেশনও করেছেন। যদিও মন্ত্রী, যদিও শাসন ব্যবস্থার ভার ওনার ওপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু উনি একাধারে কবি, একাধারে শিক্ষক, একাধারে মার্গদর্শক, এই তিনটে ভূমিকা উনি একসঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেন। তার জন্য দেশে বিদেশের শিক্ষকগণ তার কাছে খুব সহজেই যেতে পারেন, তার সাথে খুব সহজেই কথা বলতে পারেন। আমি বিশ্বভারতী নিয়ে বহুবার ওনার সঙ্গে কথা বলেছি, এখানে ওনার অফিসও খুব সাহায্য করে আমাদেরকে, এবং আমি কখনো বিফল মনোরথে ফিরি। এবং যেটা বললাম যে রামগড়ের ক্যাম্পাস করার জন্য যে উৎসাহ ওনার আমি দেখেছি ওনার, তাতে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, উনি ফোন করে ফলো আপ করতেন। এবং রামগড়ে একটা গোষ্ঠী আছে, তাঁরা কারা কারা আছেন তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। অতি ব্রাহ্মণ নিয়ে ওনার যে একটা আগ্রহ আছে সেটা খুব পরিষ্কার। তো সেই হিসেবে আমরা খুব, আমাদের সৌভাগ্য যে উনি এসেছেন, এবং আমাদের সৌভাগ্য যে উনি বিশ্বভারতী নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। তার জন্য বিশ্বভারতী বোধহয় একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে যার দ্বিতীয় পরিসর রামগড়ে তৈরি হচ্ছে। তো সেই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার কাছে কৃতজ্ঞ, এবং বিশ্বভারতীর তরফ থেকে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এবারে যেটাই বললাম, যেহেতু আমাদের অতিথি বাংলাভাষী নন, সেজন্য আমি হিন্দিতে একটু ওনার সম্বন্ধে বলতে চাই। মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্কজি পায়দা হয়ে উত্তরাখণ্ড কা পৌড়ি গাড়োয়াল কা এক গাঁও মে, জিস গাঁও কা নাম হ্যায় পিনানি। শুরু সেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কা আগ্রহ থা সমাজ কা কল্যাণ করনে কে লিয়ে, সমাজ কা কাম করনে কে লিয়ে। জো লোক জানতে হ্যায় যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 1987 মে উত্তরপ্রদেশ কা যে পাহাড় কা হিসা হ্যায় ওহাঁ পে এক সংঘর্ষ সমিতি কা কেন্দ্রীয় প্রবক্তা রহ চুকে। 1991 মে সবসে পহলে চুনাও মে অংশগ্রহণ কিয়া, চুনাও মে শামিল হুয়া, এন্ড কর্ণপ্রয়াগ সে আপ জিত কে উত্তরপ্রদেশ অ্যাসেম্বলি মে সদস্য বানি। 1996 মে সবসে পহলে ও মন্ত্রী ভি বানে, উত্তরপ্রদেশ কা ক্যাবিনেট মিনিস্টার ভি বানে। উত্তরাখণ্ড রাজ্য কা স্থাপনা কে সাথ সাথ আপ বিত্তমন্ত্রী বানে, আর 12 মহত্বপূর্ণ বিভাগ সম্ভালে। বর্ষ 2007 মে আপ ক্যাবিনেট মন্ত্রী বানে, আর 2009 মে উত্তরাখণ্ড কা মুখ্যমন্ত্রী বানে। হরিদ্বার সে ভারত কা 16th লোকসভা সে চুনে গে, উসকা বাদ 2019 মে 17th লোকসভা ইলেকশন মে ভি সাহ জিত গে, আর আভি লোকসভা কা মেম্বার ভি হ্যায়, আর ভারত সরকার কা শিক্ষামন্ত্রী হো গে 2019 সে। উনি দেশ আর বিদেশ মে এক লেখক, সাহিত্যকার, কবি, রাষ্ট্রবাদ আর পর্যাবরণ মে সংবিধানশীল বিচারক কে রূপ মে পহচানা যাতা হ্যায়। সংসদ মে ওই হিমালয় আর গঙ্গা জ্যাসে সংবিধানশীল মুদ্দা কো কই বার উঠায়, গঙ্গা সফাই অভিযান মে উনকা যোগদান
ने विशेष रूप से स्पर्श गंगा अभिजान जेटा आमी एखनी बोलछिलाम स्पर्श गंगा अभिजान में उनको सफल नेतृत्व ने इस अभियान के लिए सक्रिय सार्वजनिक जनभागदारी का एक आंदोलन बना चुका। शिक्षा मंत्री ने 75 से अधिक कविताएं, उपन्यास, खंड कविता, लघु कथाएं, बच्चों के लिए कहानी लिखा। भारत के साहित्य साहब का जो लेख है, ये लेख कई लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड भी हुआ। और गर्व की बात है, निशंक जी का जो लेख है उसमें डिलीट थीस डिग्री भी दिया गया। साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने उनके पुरस्कार के कई पुरस्कार में निशंक जी का सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब निशंक जी को साहित्य भारती पुरस्कार दिया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा साहित्य गौरव सम्मान दिया गया। दुबई सरकार निशंक जी को भारत गौरव सम्मान और मॉरिशस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया। निशंक जी को नेपाल गवर्नमेंट ने हिमल गौरव सम्मान दिया। विभिन्न क्षेत्र में साहब का कंट्रीब्यूशन है, कई देश से साहब का सम्मान आया। उन्होंने साहित्यिक योगदान के लिए हाल में वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नया शिक्षा नीति का माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके सेवाओं के लिए साहब को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। वर्चुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से पुरस्कार देने के लिए वहां से रोड स्मिथ जो डायरेक्टर है वो आके साहब के घर में आके ये पुरस्कार प्रदान किया। माननीय शिक्षा मंत्री भारत के वैषयिक ज्ञान शक्ति में सुधार के लिए समग्र और व्यापक तरीके से भारतीय शिक्षा प्रणाली का नेतृत्व दे रहा है। और जो मैंने पहले बताया था कि आज के हिंदुस्तान में शिक्षा में आप जितना परिवर्तन देख रहे हैं, इसका मार्गदर्शक माननीय शिक्षा मंत्री ने किया और शिक्षा मंत्री का मदद कर रहे हमारा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे साहब। तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री ऐसा एक इंसान है, ऐसा एक मिसाल है जो हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, जो हिंदुस्तान को ऐसा नेतृत्व दिया शिक्षा में, जो हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान कैसा होगा 20 साल बाद ये दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग विश्व भारती की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। साहब को मैंने जब आमंत्रण दिया था, साहब तुरंत एक्सेप्ट किया और कल रात में कलकत्ता से रोड में सफर करके 11:30 बजे पहुंचा और सुबह तैयार हो गया, क्योंकि इतना एक्साइटेड थे विश्व भारती को देखने के लिए। तो सर आपको सब के तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। अभी सर आपका विचार धारा रखी है। आप सबको मैं हिमालय से आकर के अंतस मन से आपका सबका अभिवादन कर रहा हूँ, आज स्वागत कर रहा हूँ। ये अवसर हम सब के लिए एक प्रेरणाप्रद अवसर है। जब विश्व भारती यहाँ पर दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, स्वाभाविक है कि एक तरफ आज पदवी को प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की जीवन का एक मील का पत्थर है, तो अध्यापकगण के लिए अपने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करके उनको विश्व के
मैदान में एक योद्धा की तरह आगे बढ़ने का आह्वान है। और ऐसे क्षणों में तब वो विश्व भारती जो रविंद्र नाथ टैगोर जैसे भारत माँ के सपूत की धरती हो, तो स्वाभाविक ये है कि उसके कण कण में उल्लास और उत्साह होना स्वाभाविक ही है। और इस उल्लास और उत्सव के अवसर पर आज हमारे साथ हमको आशीर्वाद देने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। तो यही बंगाल के प्रथम नागरिक और माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। विश्व भारती के उपकुलपति प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती आज जिनके नेतृत्व में विश्व भारती आगे बढ़ रहा है, उन्होंने इस उत्सव का उद्घाटन की घोषणा की है। तो अभी हमारे बीच हमारे देश के शिक्षा राज्य मंत्री जो मेरे बहुत ही अनन्य सहयोगी हैं और प्रखरता सौम्यता और सहजता के बहुत ही प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे मेरे अनन्य सहयोगी भारत के यशस्वी शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी, अभी उनका भी हमको मार्गदर्शन मिला है। इस विश्व भारती के इस प्रांगण में मेरे सभी आचार्यगण, विभागाध्यक्ष, डीन, संकाय, अध्यापकगण और सभी कर्मचारी वर्ग, प्रिय छात्र और छात्राओं, आदरणीय अभिभावकगण, क्योंकि बहुत सारे लोग विभिन्न स्थानों से सीधे वर्चुअल के तरीके से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबको इस गौरवमयी अवसर पर आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं उस धरती पर हूँ जो धरती को देखने के लिए भी दुनिया और वो लोग तरसते हैं जिनके मन में मानवता की जागृति होती है। और इसलिए आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल होकर के मैं भी गर्व का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। ये भी हर्ष का विषय है कि कल ही हम रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म दिवस मना रहे थे और आज इस धरती पर हम बहुत सारे योद्धाओं को यहाँ से डिग्री को दे करके और विश्व के मैदान में भेजने के लिए यहाँ उल्लासपूर्वक उत्सव को मना रहे हैं। ये भी एक महज संयोग है कि हम इस वर्ष इस संस्था के, इस महान संस्था के 100 वर्ष पूरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इसके स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझको भी अवसर मिला था और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने विश्व भारती के 100 वर्ष के गौरवशाली इतिहास, परंपरा, योगदान और विरासत के बारे में हमको ऐसा एहसास दिलाया था जिसे हमेशा हमेशा के लिए हम एक अद्भुत मार्गदर्शन के रूप में याद करेंगे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज दीक्षांत समारोह एक अद्भुत अनुभव का क्षण है। पिछले कार्यक्रम में मैंने जब हिस्सा लिया था तो मैंने तभी तय किया था कि मैं जरूर करके आपके बीच आऊँगा, क्योंकि वैसे भी बंगाल के जो धरती है, उसकी जो माटी है, वो स्वभाव की है कि वो सभी को मंत्रमुग्ध करती है। बंगाल की पावन माटी में विवेकानंद के विचार हों, गुरुदेव टैगोर की महानता हो, नेता सुभाष चंद्र बोस की वीरता की महक हो, ये विश्व
कि धरती पर भारतीयता का सुगंध को बिखरती हैं। और हमारे लिए गौरव का विषय है कि ये तीनों महापुरुष बंगाल की धरती पर पैदा होते हैं। अभी मेरे सहयोगी संजय धोत्रे जी ने तमाम लोगों का नाम लिया और हमारे यशस्वी कुलपति जी ने भी उन बातों को आगे बढ़ाया, क्योंकि विश्व भारती केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। वैसे तो इस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं, 50,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15,00,000 से अधिक स्कूल हैं, 1,10,00,000 से अधिक अध्यापकगण हैं और छात्रों की संख्या जितनी कुल अमेरिका की आबादी नहीं है उससे भी ज़्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। इतना विशाल देश है ये, लेकिन उन सब से हट करके ये जो संस्थान है, ये शैक्षणिक संस्थान केवल शैक्षणिक नहीं है, ये एक ऐसे विश्व मानव का स्वप्न है जिसे लगभग 100 वर्ष पूर्व देखा गया, या एक ऐसी विरासत है जिसे आगे बढ़ाना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व भारती का अद्वितीय परंपरा को एक नई पहचान मिल रही है और उसको एक नया विस्तार मिला है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव के इस विजन को साकार करने का काम अब शुरू हो चुका है और इसकी झलक आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिलती है, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है और कुलपति जी ने भी कहा है। ये भारत केंद्रित होगी ये नीति, और जो भारत केंद्रित होने के साथ साथ आपने देखा कि भाषा पर, मातृभाषा पर हमारे गुरुदेव का कितना आग्रह रहता था, तो ये प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा से शुरू होगी। और ये नई शिक्षा नीति, यदि मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ये वो नई शिक्षा नीति होगी जो कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन भी शुरू करेगी, क्योंकि हमारे देश में हमने केवल क्लर्क पैदा किए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, लॉर्ड मैकाले के आने से पहले तो इस देश में 98% साक्षरता थी, लेकिन समय के थपेड़ों ने और देश की गुलामी की जंजीरों ने हमको हमारी जड़ों से अलग किया, अन्यथा ये देश तो विश्वगुरु था। और गुरुदेव ने ऐसे ही वक्त पर, जब सारी दुनिया में हलचल थी, ऐसे वक्त पर उनके मन में जो विचार आया वो आज विचार नई शिक्षा नीति के रूप में इस विश्वविद्यालय, इस संस्थान के द्वारा संरक्षित और नई शिक्षा नीति के द्वारा अब अभियान के रूप में आगे होगा। जो वोकेशनल आज जो एजुकेशन ही नहीं होगी बल्कि इंटर्नशिप के साथ होगा। हमारा बच्चा अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि वो स्किल से भी युक्त तो होगा, वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक और वोकेशनल स्किल की दिशा में इन तीनों का बेहतर समन्वय होगा। और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब स्कूली शिक्षा से पढ़ाया जाएगा, शायद दुनिया का ये पहला देश होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली शिक्षा से पढ़ाएगा, और मूल्यांकन करने का भी अब पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अब रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा बल्कि प्रोग्रेस कार्ड होगा, वो छात्र अपना भी मूल्यांकन करेगा, उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, अध्यापक भी मूल्यांकन करेगा, तो उसका अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा, 360 डिग्री होलिस्टिक उसका मूल्यांकन होगा। और जब स्कूली शिक्षा से बाहर निकलेगा तो उसको अपने आधार पर खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होगा। ये गुरुदेव ने ये स्थान पर वो किया, गुरुदेव ने जो आत्मनिर्भर भारत थे उसकी आधारशिला तब रख दी थी, और आज वो आधारशिला जो आत्मनिर्भर भारत की है वो निश्चित रूप में नई शिक्षा नीति उसको पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लेकर के जाएगी। ये जो नई शिक्षा नीति है ये सारे विषयों को
कोई भी विषय किसी भी विषय के साथ ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। अबंधन मुक्त और अभियान युक्त ये शिक्षा होगी कि जो आपको लगता है जिसमें आप शिखर तक प्राप्त कर सकते हैं उस विषय को लीजिए, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को लीजिए, और जब चाहे तब आप आ सकते हो, जब चाहे आप जा सकते हैं। यदि एक साल में आप जा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दो वर्ष में यदि छोड़ रहे हैं, डिग्री चार वर्ष की है लेकिन यदि दो वर्ष में छोड़ रहे हैं तो भी आपको डिप्लोमा मिलेगा, हताश और निराश होने की जरूरत आपको नहीं होगी। तीन वर्ष में तो डिग्री मिलेगी, लेकिन यदि आप बीच में भी आकर के और अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, इतनी परिस्थिति वश आप दो साल में एक साल में छोड़ के जा रहे हैं और आप परिस्थितियाँ अच्छी हैं और आप लौट करके अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जहाँ से आप छोड़ करके गए थे वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। आपका अकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा जिसकी चाबी आपके पास होगी, जहाँ आप छोड़ के गए थे वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है तो इंटरेक्टिव भी है, ये इनोवेटिव भी है तो इंक्लूसिव भी है। और ये जो नई शिक्षा नीति है ये इक्विटी क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। इसमें जवाबदेही भी है तो बहनीयता का भी आधार है। ये केवल टैलेंट को ढूंढेगी नहीं, केवल टैलेंट का विकास ही नहीं करेगी, उसका विस्तार भी करेगी और टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट दे करके पेटेंट को तैयार करेगी। आज हमारे देश के अंदर हमारे नौजवानों में ये होड़ है पैकेज की। अब ये पैकेज की होड़ खत्म हो जाएगी, अब पेटेंट की होड़ होगी, क्योंकि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। क्या नहीं दिया इस धरती ने, चले चिकित्सा का जनक सुश्रुत इस देश में पैदा होता है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान है उस आयुर्वेद का जनक भी इस देश में पैदा होता है। चरक ऋषि की ये धरती है जिस आयुर्वेद के पीछे पूरी दुनिया आज खड़ी हो रही, जो संजीवनी बूटियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और जैसे अभी चर्चा हुई, गुरुदेव का जो मूल चिंतन था, हमारे पास दुनिया के तन और मन को ठीक करने के लिए मादा है, तन को ठीक करने के लिए हमारे पास ऐसी संजीवनी बूटियाँ हैं और मन को ठीक करने के लिए हमारे पास आध्यात्म है। यह हमारा संगीत विद्यालय साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंच विषाणीना, जिसके मन में न साहित्य हो न संगीत की थिरकन हो न कला का भाव हो, उसको तो पृथ्वी पर बिना पूज के पशु की समान माना है। और इसलिए गुरुदेव, यदि गुरुदेव का जीवन देखा जाए तो साहित्य संगीत और कला से युक्त प्रखरता से भरा अद्भुत व्यक्तित्व है। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति उसी को आधार बना करके बहुत तेजी से बढ़ना चाहती है। हमारे पास न केवल सुश्रुत है बल्कि आज पूरी दुनिया में, अभी हमारे कुलपति जी कह रहे थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कहा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने ये भी कहा कि हम दुनिया भारत की आभारी है जिसने गणित और बीजगणित को दिया है। आर्यभट्ट दुनिया को देने वाला इसी धरती पर पैदा होता है, भास्कराचार्य इस धरती पर पैदा होते हैं, अणु परमाणु का परीक्षण की दिशा में उसकी शिखरता को आगे बढ़ाने वाला ऋषिकणाद भी इस धरती पर पैदा होता है, रसायन शास्त्री नागार्जुन भी इस धरती पर पैदा होता है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कौटिल्य हो, भाषाविद में पाणिनि का जो भाष्य है, पाणिनि से बड़ा भाषा वैज्ञानिक कौन हो सकता है, और योग जिसने आज पूरी दुनिया में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब इस मनुष्य की सुखद भविष्य की कामना करते हुए दुनिया के सबसे उच्च स्थान पर ये कहा था कि इसको सुंदर बनाने के लिए क्या हो सकता है, क्या योग उसके लिए उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और आज योग के पीछे पूरी 197 देश 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यह योग
पतंजलि जो योग को जन्मदाता, पतंजलि भी इसी धरती पर पैदा होता है। यदि उस श्रृंखला में यदि मैं एक से एक बढ़कर के नाम लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि तक्षशिला और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी इसी देश के अंदर थे। जब इस देश में कुक्ति हितत देश प्रसूत से सकाशा दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, पूरी दुनिया के लोग हमारे देश में ही तो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और नवाचार सीखने के लिए आते थे। ये वो देश है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का देश है। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है उन तमाम आयामों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो संस्थान है ये संस्थान केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। विश्व भारती अपने आप में जो अनुपम प्रयोग है इसमें राष्ट्रीयता भी है और अंतर्राष्ट्रीयता भी है। जहाँ में भारतीय मूल्य और परंपरा देखने को मिलते हैं तो वहीं वैश्विक दृष्टिकोण भी हमको मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का इससे उत्कृष्ट उदाहरण शायद आज कहीं नहीं मिल पाएगा। हर छात्र शिक्षक शिक्षाविद यहाँ आकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कौन व्यक्ति होगा ऐसा जो विश्व भारती में आकर अपने को गौरवान्वित महसूस न करता होगा? कोई भी छात्र में विश्व भारती से निकला हुआ उसकी अलग पहचान होगी, उसका गौरव होगा, दोबारा उसको देखने की उत्कट जिज्ञासा किसी में भी पैदा होगी। विश्व भारती से निकला है, कुछ तो होगा, कुछ तो है, कुछ तो करेगा, बहुत कुछ करेगा। और इसलिए मैं समझता हूँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं जो आज यहाँ उपाधि लेकर आप जाने वाले हैं कितना बड़ा गौरव आपके साथ जुड़ा है। गुरुदेव और विश्व भारती एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग हम कर भी नहीं पाएंगे। या विश्व भारती नॉलेज सिस्टम और गुरुदेव का वैल्यू सिस्टम एक दूसरे में समय नजर आता है। ये नॉलेज और वैल्यूज ये बहुत जरूरी है, ये दुनिया के लिए भी जरूरी है। प्रकृति और संस्कृति का सुंदर समन्वय अगर किसी संस्थान में नैसर्गिक रूप से देखने को मिलता है तो ये मेरा विश्व भारती है। हमको गर्व होना चाहिए इस पर। और ये केवल शांति निकेतन ही नहीं है, यहाँ की हर अंश में गुरुदेव का वजन नजर आता है, हर ध्वनि में रविंद्र की संगीत की मधुरता सुनाई देती है, हर वृक्ष की इस छांव हमें विचारों की ताजगी और स्वतंत्रता के अद्भुत एहसास भी होता है। इतना वैभव शायद कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इस वैभव का ये प्रताप है कि इस संस्थान से भारत रत्न सत्यजीत रे, सुचित्रा मित्रा, अरुंधति घोष और मैं उनका नाम लूँ तो एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने देश का माथा ऊंचा किया है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज हमको वही क्षणों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। विश्व भारती के ऐतिहासिक पक्ष पर यदि नज़र डालें तो 1919 में जब विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा था, गुरुदेव तब ऐसे संस्थान की परिकल्पना कर रहे थे जो इस घृणा से ऊपर उठ करके मानवता के आधार पर खड़ा हो सके, जो भारतीय मूल्य और परंपराओं का संरक्षण कर सके और जो इस विश्व युद्ध से ऊपर उठ करके मेरे भारत की उस संस्कृति का जिसमें हमने अयम निजा परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधा एक परिवार है, कुटुंब है, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि दुनिया ने हमको युद्ध दे, लेकिन हमने दुनिया को बुद्ध दिए, हमने महावीर दिए, हमने वीर दिए, हमने शंकराचार्य दिए, द्रोणाचार्य दिए, योगाचार्य दिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए। हम तो वो लोग हैं जिसने माता भूमि पुत्रों हम पृथ्वी का इस पूरी धरती को मैं मेरी तू माँ है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये संस्थान है ये संस्थान एक अनूठी मिसाल है। मुझे याद आता है जब 16 सितंबर 2017 को
इंडोनेशिया में पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ के जो इंडोनेशिया की उनकी यात्रा थी उसकी 90वीं वर्षगांठ वो आयोजित कर रहे थे, तब मैं एक साहित्य साधक के नाते इंडोनेशिया गया था। और मुझे याद आता है कि यहाँ से भी एक प्रतिनिधिमंडल गया था और यहाँ पर भी वो लोग होंगे। कितना कितना वो लोग मानते हैं गुरुदेव को, कितना मानते हैं, अद्भुत मानते हैं। और इसलिए मैं, उन्होंने तब कहा था कि हम रामगढ़ आते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस हिमालय से आता हूं जहां पर बैठकर के गुरुदेव ने गीतांजलि को लिखा, जिसको नोबल मिला, उसी हिमालय की गोद में बैठकर के रामगढ़ में बैठकर के उन्होंने उस शांति निकेतन, उनके जो विचार आया था जो आज एक पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। और तब जब मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री था, तब मैंने वहां पर जाकर के वहां पर टैगोर टॉप की स्थापना की थी। और मुझे आज खुशी है कि उस रामगढ़ में वो खंडर नहीं, अब रामगढ़ में जो गुरुदेव का जो विजन है और गुरुदेव का जो मिशन है। और मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने वहाँ पर गुरुदेव का जो वो स्थान है, हिमालय का जो साधना स्थली गुरुदेव की रही है, उस हिमालय की साधना स्थली में इस विश्वविद्यालय का एक परिसर होगा जहाँ पूरे हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व तो गुरुदेव का पूरे विश्व के लिए एक अलग सी प्रेरणा का स्रोत होगा। मुझे जो 68 साल से पहले 1950 के दीक्षांत समारोह में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विश्व भारती मंच से जो मार्गदर्शन किया था, उन्होंने कहा था भारतीय लोगों की प्रगति, खुशहाली और भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार अपनी शिक्षा नीति को तैयार करते हैं। और निश्चित रूप में यदि हम देखेंगे तो गुरुदेव ने उस चीज को इस संस्थान में ला करके उसको समाहित किया है। हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक भी आ रहे हैं, महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि राज्यपाल जी हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में उनका लगातार हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब राष्ट्रपति जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों को, पूरे देश के सभी आदरणीय राज्यपाल गण को और सभी मुख्यमंत्री गण को, शिक्षा मंत्री गण को बुलाया था, तब भी हमारे पश्चिम बंगाल के यशस्वी राज्यपाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए थे और उनका मार्गदर्शन मिला था। मैं विश्व भारती विश्वविद्यालय में आप सबकी ओर से उनका स्वागत कर रहा हूँ। आपका स्वागत करें सर, हम सब लोग मिल करके विश्व भारती परिवार हमारे महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत कर रहा है हृदय की गहराइयों से। तो मैं आपको अभी चर्चा कर रहा था कि इस नई शिक्षा नीति में हमारे महामहिम राज्यपाल जी का भी समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिला, सुझाव मिले। और आज भी बंगाल की इस यशस्वी धरती पर शिक्षा के लिए उनका समर्पण और उनकी कटिबद्धता हमको देखने को मिलती है। वो बहुत चिंतित रहे हैं हमेशा ही बंगाल की इस धरती पर शिक्षा की सुदृढ़ता के लिए। और मेरा आपको ये भी जो मैं कह रहा था कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरेक्टिव भी है, इनोवेटिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इक्विटी क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है।
और विश्व भारती के धरातल पर सबसे प्रभावी रूप में मैं समझता हूँ, जो अभी सुबह से मैं चर्चा कर रहा था कि निश्चित रूप में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय उस नई शिक्षा नीति को 100% क्रियान्वयन करने का सबसे बड़ा आधार हो सकता है। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है कि न केवल हम साक्षर समाज को तैयार करना है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक को तैयार करना है और विश्व मानव को तैयार करना है। और ये संयोग है कि गुरुदेव भी विश्व मानव की पंक्ति में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी जैसे विश्व मानव शांति निकेतन और गुरुदेव का जो अनूठा रिश्ता रहा है वो भी हमारे संज्ञान में है। गांधी जी ने समय समय पर जो गुरुदेव के साथ चर्चा की है उसी नई शिक्षा नीति का वो एक आधार है। जब गुरुदेव ने राष्ट्र की जनगण मन अधिनायक जय ही, लेकिन जनगण मन और भारत भाग्य विधाता, ये जो भारत के भाग्य विधाता को लिखा होगा तो निश्चित रूप से उस समय उनके मन में रहा होगा कि यहाँ से शिक्षा अर्जित कर राष्ट्र निर्माण को समर्पित छात्र छात्राएं ही भारत के विधाता हैं और नए भारत के शिल्पकार हैं। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन भारत भाग्य विधाताओं को नए अवसर ये शिक्षा नीति देती है। कला विज्ञान अनुसंधान प्रकृति के बीच नए संवाद के जरिए टैलेंट का विकास भी होगा और विस्तार भी होगा। जैसे मैंने भी कहा कि टैलेंट और पेटेंट, ये टैलेंट पेटेंट को निकालेगा जिसकी आज भारत को जरूरत है। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसके अब जिक्र हुआ है और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन दोनों के गठन से हम अंतिम छोर के व्यक्ति को तकनीकी दृष्टि से भी समर्थ करेंगे और उसको वैभवशाली भी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि जब हम 125वीं वर्षगांठ नेताजी की मना रहे होंगे तो गुरुदेव के बीच जो उनका संवाद हुआ है और जिस तरीके से गुरुदेव के से प्रेरित होकर के उन्होंने ICS से त्यागपत्र देकर के वो वापस लौटे और जिस तरीके से देश की आज़ादी में उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है, आज उसको भी हमको याद करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उच्च शिक्षा कि यदि हम बात करें तो IIT खड़गपुर हो, कल्याणी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कोलकाता हो, इस राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सिपुर, IIM कोलकाता हो, NIT दुर्गापुर, गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये कलकत्ता, उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों को लगातार भारत सरकार लगातार मैं पीछे 5 वर्षों में देख रहा था तो लगभग 1,000 करोड़ से भी अधिक इन संस्थानों को लगातार मिला है। और मुझे भरोसा है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत चाहिए, सुंदर भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत, ये जो श्रेष्ठ भारत और एक भारत है उस श्रेष्ठ और एक भारत की यहाँ पर आधारशिला रखी जा रही है। मैं गुरुदेव के जो एक उनकी एक खूबसूरत कविता हे मोर चित्तो पुनो तीर्थे जागोरे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर धीरे, हे थाय दाढ़ाए दुबाहु बाड़ाए, नौमी नरो देवतारे उदार छंदे परमानंदे, बंधन कोडी तारे ज्ञान गंभीर यही जे सुधीर, नोदी जपोमाला धृतो प्रांतोर, हे थाय नित्तो हीरो हीरो पवित्र धरित्रीरे, यही भारतेरे महामानव बेर सागर तीरे, ऐसी मेरी भारत माँ है। और उसी भारत माँ के वंदन को करते हुए
मेरे जो आज डिग्री प्राप्त कर रहे योद्धा हैं, मुझे भरोसा है कि यहाँ से जाकर के आप पूरे मैदान में जाएंगे। अभी तक आप यहाँ कई सवाल आपके सामने खड़े होते होंगे, आपके गुरुजन आपके सवालों का जवाब देते होंगे, लेकिन अब मैदान आपके सामने है, सवाल भी बहुत सारे होंगे, जवाब भी स्वयं देना होगा। मुझे भरोसा है कि हम 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की दिशा में एक योद्धा की तरह आगे जाएंगे और विश्व भारती का नाम पूरी दुनिया में उजागर करेंगे। मैं आपको और आपके अभिभावकों को, आपके अध्यापकगण को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपकी हर एक बात सदैव ध्यान में रखेंगे हम लोग और सदैव पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे। हमारे बीच माननीय राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ महोदय उपस्थित हैं। उपाचार्य महोदय से निवेदन है कि शांति निकेतन के परंपरा के अनुसार उन्हें संबोधित करें। अब आगे बढ़ते हुए मैं माननीय उपाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे भवन प्रिंसिपल को सत्र 2020-21 की उपाधियों से सम्मानित करें। इस कड़ी में सबसे पहले हैं भाषा भवन प्रिंसिपल, कला भवन प्रिंसिपल, पोली शिक्षा भवन प्रिंसिपल, पोली संगठन विभाग प्रिंसिपल, संगीत भवन प्रिंसिपल, शिक्षा भवन प्रिंसिपल, विनय भवन प्रिंसिपल, अब संगीत भवन की ओर से विद्या भवन प्रिंसिपल, अब संगीत भवन की ओर से एक संगीत की छोटी सी प्रस्तुति। जुड़े उदार सुरे आनंद गान भावे, जगत जुड़े उदार सुरे आनंद गान भावे, श्री राम
আকাশবাণু সবারে পরে বাসিব ভালো আকাশ জানো আকাশবাণু সবারে পরে বাসিব ভালো धन्यवाद। हम अत्यंत आनंदित है कि हमारे साथ हमारे आचार्य महोदय महामहिम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जुड़ गए हैं। महामहिम आज इस समारोह स्थल पर उपस्थित प्रत्येक छात्र छात्राएं अतिथिगण एवं विद्वज्जन आपका स्वागत करते हैं। मैं हमारे माननीय उपाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे महामहिम आचार्य महोदय का स्वागत करें। आज इस दीक्षांत समारोह सत्र 2020-21 के तहत हमारे आचार्य महोदय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से यानी डिजिटल माध्यम से अपना आशीर्वचन देंगे। Thank you.
আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য শুনলাম। এর মধ্যে আপনারা দেখলেন যে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল, যিনি আমাদের বিশ্বভারতীর প্রধান, তিনিও এসে গেছেন। এর মাধ্যমে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বভারতীর ব্যাপার নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপালের কত আগ্রহ আছে। মাননীয় রাজ্যপাল তো আপনারা জানেন অনেক অনুষ্ঠানে এসেছেন, এবং যখনই আমি ওনারকে আমন্ত্রণ করি, এখনো পর্যন্ত এমন দিন আসেনি যখন উনি বলেছেন আমি আসতে পারবো না। আজকেও বিনা হেলিকপ্টারে উনি রাস্তায় ট্রাভেল করে এসেছেন, সেজন্য আমরা সবাই ওনার কাছে ঋণী। মাননীয় রাজ্যপাল আমাদের বিশ্বভারতী খুব কাছের লোক, আমাদের পরিবারের একটা অংশ। উনি আপনারা জানেন বোধ হয়, উনি একজন খুব বিখ্যাত আইনজ্ঞ। আইন ছেড়ে তারপর উনি রাজনীতিতে আসেন, উনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। আজকে আমরা খুব গর্বিত যে ওনার মতো একজন সুদক্ষ প্রশাসক আমরা পেয়েছি, যিনি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভাবেন এবং বিশ্বভারতীর প্রতি ওনার সজাগ দৃষ্টি থাকে সবসময়। অনেক সময় উনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, অনেক সময় উনি কলকাতায় গেলে আমাদের বিশ্বভারতী কিরম চলছে জিজ্ঞেস করেন। তার মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে ওনার এই বিশ্বভারতীর প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। সাধারণত ম্যাডাম ধনকর আসেন, আপনারা দেখেছেন আগের অনুষ্ঠানে উনি আসেন, কিন্তু আজকে যে কোনো কারণেই কোনো বিপরীত পরিস্থিতির জন্য আসতে পারেননি। তবে উনি বলেছেন যে উনি খুব আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যে কোনো কারণে হয়নি। তাই বলে ম্যাডাম নেক্সট টাইম। তো আমি এগুলো থেকে বলার একটাই বলার উদ্দেশ্য যে আজকে আমাদের মধ্যে এমন দুজন বিখ্যাত লোককে পেয়েছি যারা শুধু আমাদের গর্ব তা নয়, যারা শুধু দেশের গর্ব তা নয়, তারা দশের গর্ব এবং আমি বলি বিশ্ব মানবতার গর্ব। তাদের কাছে মানবতা সবচেয়ে বড় জিনিস, এবং সেই এই সমস্ত ভাবনা চিন্তা যখনই করি তখনই ভাবি যে বিশ্বভারতী এমন একটা জায়গা, বিশ্বভারতী এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার কথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বললেন, এটা শুধুমাত্র ডিগ্রি দেওয়ার জায়গা নয়, এটা শুধুমাত্র ডিগ্রির মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার জায়গা নয়, এটা আমি বলি একটা আদর্শ, যে আদর্শের মাধ্যমে মানুষ মানুষ হতে পারে। ডিগ্রি পেয়ে চাকরি করে প্রচুর পয়সা রোজগার করে আপনি হয়তো মেটেরিয়াল সাকসেসফুল, যেটাকে বলে সাকসেস, সেটা হয়তো পাবেন, বৈষয়িক সফলতা সেটা হয়তো পাবেন, কিন্তু মানুষকে মানুষের মতো মানুষ হওয়া এটা কিন্তু হয় না। এটা হওয়ার জন্য একটা কর্মকাণ্ড দরকার, যে কর্মকাণ্ড গুরুদেব শুরু করেছিলেন তার পিতৃদেবের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। আমাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন, স্যার মানে আপনার স্বাগত করতে হ্যাঁ যে আপনি কিমতি সময় দিয়া। মানে দু চার শব্দ স্যার কহনা চাহত, উসকে বাদ মানে রাজ্যপাল হামারা যে রেক্টর সাহাবকে অনুরোধ করুঙ্গা আপনার বিচার রাখনে কে লিয়ে। বিশ্বভারতীকে আচার্য শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি কি বিশ্বভারতী পর বিশেষ অনুকম্পা হ্যায়, আজ বিশ্বভারতী কা স্থিতি আর উন্নতি কি জানকারি সে অবগত রহতে হ্যায়, আজ ও ভার্চুয়াল মোড মে আপনা বাত রাখেঙ্গে, উনোনে বিশ্বভারতী মে আনে কি ইচ্ছা ভি জাহির কি থি কিন্তু আনা সম্ভব নেহি হুয়া কোই বিশেষ কারণ কে বজায়। আবি কুছ দিন পূর্ব স্যার আপ 24 ডিসেম্বর 2020 আপনি বিশ্বভারতী কো শতাব্দী সমারোহ কা আয়োজন মে আপনা প্রেরণাদায়ী বক্তব্য রাখা থা, জিসে হাম সব বিশ্বভারতীকে উন্নতি কার্য মে পুনঃ উৎসাহিত হুয়ে থে।
हमारे आचार्य भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक देश की बागडोल संभाल रहे हैं। इस कोरोना काल में भी शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, कृषि और ऊर्जा पर दिशा, ऊर्जा हर दिशा में परिस्थिति को अनुरूप आप विकास की नई नई उद्भावने के रहे। वर्तमान वैश्विक स्थिति में संतोषजनक नहीं है। एक और कुछ देश पुरातन साम्राज्यवाद के नई रूप का प्रस्तुत करना चाह रहे थे, दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण भी भारत और विश्व के नई चुनौतियां का संभव सामना कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी असीम धैर्य के साथ चुनौती का सामना करने के लिए हम लोगों का ऊर्जा दे रहे हैं। इस संकट काल में बदली हुई परिस्थिति में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की योजना द्वारा भारत को आगे बढ़ाने का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मंत्री जी भी चाहते हैं, हमारा माननीय राज्यपाल भी चाहते हैं, सर रामगढ़ में विश्व भारती का एक परिसर हम खुलना चाहते हैं। मैं आपसे इसके बारे में बात पहले जिक्र किया, मंत्री जी भी चाहते हैं। सर मैं अनुरोध करूँगा ये परिसर खुलने के लिए आप थोड़ा मदद करें सर। और आपसे मैंने हम लोग यही सीखा विश्व भारती की तरफ से, ये मैं दो पंक्तियों से अपना विचार में रखना चाहता हूँ। कर्म अच्छा है तो किस्मत दासी है, नियत सही है तो घर बदिना काशी है। सर आपका मार्गदर्शन से हम लोग को इसी दिशा से लेके जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ और बिना विश्वास है आपका आशीर्वाद रहें तो विश्व भारती सबसे ऊंचा शिखर पर पहुँचेंगे। सर यही बात करके मैं हमारा जो माननीय राज्यपाल जो विश्व भारती डायरेक्टर भी है, मैं राज्यपाल साहब का अनुरोध करूँगा अपना विचार रखने के लिए। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Education Minister Ramesh Pokhriyal ji, Minister of State Sanjay Dhotra ji, Vice Chancellor Bidu Chakrabarti ji, members of the faculty, members of the staff of Vishwa Bharati, students, ladies and gentlemen. It is great privilege and honor to be associated with the 2021 convocation of Vishwa Bharati University. The occasion is all the more significant and joyous since it is in the centenary year of Vishwa Bharati. Convocation is an important milestone marking end of one vital phase in life of a student and beginning of another very significant productive phase. My heartiest congratulations to all graduating students who have benefited out of their degrees today. Friends, undoubtedly, education has great power for social rejuvenation and transformation. It is the most effective method and mode of lasting change. Let us recall on this day our past. Ancient Indian universities, Takshila, Nalanda, Vikramshila had dominated the world of higher education for 1800 years, beginning from 6th century BC. That ancient system, which had many elements of modernity, produced great scholars, and to name few, Charak, Aryabhatta, Chanakya, Panini, Patanjali, Gargi. They made historic, invaluable contributions to medical science, mathematics, astronomy, grammar, and social development. It is gratifying and honor for all of us that much awaited focus
on education has been led by our Honorable Prime Minister to usher in a new India. One of the many monumental contributions of Prime Minister Modi ji is the new education policy. It will gallop our journey to becoming Vishwa Guru. Thanks to farsightedness and vision of Honorable Prime Minister, the national education policy is turning out to be game changer in much needed education reforms to create vibrant knowledge society, ensuring higher quality of education to all, making India global knowledge superpower. 6 years of deliberations, hard work, involvement with all the stakeholders, very healthy involved debate without bias, without discrimination, is the hallmark of this policy that has found widest acceptability. The policy echoes our national values, national ethos, and national goals. I find it satisfying that the policy also has what was capsuled by Rabindranath Tagore. Tagore used to say, quote, "The highest education is that which not only informs us, but brings our life in harmony with all existence," unquote. Thanks to our Prime Minister, we are in the process of executing it. We are now rightly moving from what to think on how to think approach in education that was needed for a long time. The effort now is inquiry-based, discovery-based, discussion-based, analysis-based methods to children. This will urge in children to learn, innovate, and create. Let us resolve on this day to live up to the expectations of the founder of this university, Kavi Guru, and let our mind be without fear. Let our head be always high. Very aptly, Gurudev Rabindranath Tagore capsuled the entire thought process of Vishwa Bharati when he reflected, I quote, "Vishwa Bharati represents India, where she has her wealth of mind, which is for all. Vishwa Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of our best culture and India's right to accept from others their best," unquote. Friends, thanks to the leadership we have, the world has come to know about it through vaccination. The world was passing through greatest challenge, and India was lending helping hand to the needy outside our borders. During 100 years journey, it has become apparent that Shanti Niketan is Punya Bhumi of love, of fellow feeling, of empathy, with love for motherland, mother nature, and the universe. To the students who are graduating today, I can say one thing. India is changing. India is on incremental trajectory. You are going into a world teeming with opportunities. You have to play on front foot with the state bat, and the world will be for you to contribute. All of you have been fortunate and experienced to get education at this iconic place. Not everyone is so privileged. As you leave this campus, carry your learning with humility, and in some manner, in whatever manner you think appropriate, make earnest effort, sincere effort, to give back to the society, and that will be a huge contribution, a big step for one. Let that be true test of your education. In the words of Aristotle, I quote, "Excellence is never an accident. It is always the result of higher intention, sincere effort, and intelligent execution. It represents the wide choice of many alternatives. Choice, not chance, determines your destiny," unquote. I would conclude
as like many of you, I am also looking forward to hear from our Prime Minister, whose discourses always touch our mind and heart, motivate us, inspire us, and we are put on a directional path. Gandhiji said, quote, "Be the change you wish to see in this world," unquote. So I say to you all, lead the world, be the change, make India proud, and India is on the rise in the estimate of one and all. Thank you. Jai Hind. Namaskar. धन्यवाद मान्यवर. अब मैं माननीय उपाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे आचार्य महोदय का एक बार फिर से स्वागत करें. अभी सर, मेरा सबसे सौभाग्यपूर्ण काम है आपको आपका विचारधारा रखने के लिए अनुरोध करना. सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर आपको, जी यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कोरोना का बजाय, तो लेकिन सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्चुअल मोड पे कनेक्टेड है. सो आपका जो विचारधारा हमारा जितना स्टूडेंट आज ग्रेजुएट हो रहा है सब सुन पाएंगे. सर अभी आपको हमें अनुरोध कर रहा हूँ, आपका विचारधारा आप रखें. धन्यवाद. पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, विश्व भारती के वाइस चांसलर प्रोफेसर बितु चक्रवर्ती जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे ऊर्जावान युवा साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी है उसका हिस्सा बनना, आप सभी साथियों से जुड़ना मेरे लिए प्रेरक भी है, आनंददायक भी है और एक नई ऊर्जा भरने वाला है. अच्छा होता मैं इस पवित्र मिट्टी पर खुद आकर के आपके बीच शरीक होता, लेकिन जिस प्रकार के नए नियमों में जीना पड़ रहा है और इसलिए मैं आज रूबरू न आते हुए दूर से ही सही आप सबको प्रणाम करता हूं, इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं. इस बार तो कुछ समय के अंतराल पर मुझे दूसरी बार ये मौका मिला है. आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है. आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है. मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर कविता लिखी थी. उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर कौन एक अख्यात दिवसे नाही जानी आजी. मराठार कौन शोयले एरंडेर अंधकारे बसे. हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी. एक धर्म राज्य पासे खंड छिन्न विक्षिप्त भारत
बंधे दीपावली, यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता अखंडता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। साथियों, आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा के वाहक भी है। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था, विश्व भारती एक्नॉलेजेस India's obligation to offer to others the hospitality of her base culture and India's right to accept from others their best. गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था, इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे, उस पर शोध करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। इस संस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी, ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार को उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुटते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं आलो अमर आलो उगो आलो भुवन भारा, तो ये उस प्रकाश के लिए ही आह्वान है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। गुरुदेव टैगोर मानते थे विविधताएं रहेगी, विचारधाराएं रहेगी, इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा।
वो बंगाल के लिए कहते थे, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फूल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। लेकिन साथ ही वो भारत की विविधता की भी उतना ही गौरवगान बड़े भाव से करते थे। वो कहते थे, हे मोर चित्तो पुण्य, हे मोर चित्तो पुण्य, तिथे जागोरे धीरे, ई भारतेर महाप्रवेर सागरो तीरे, हे थाय दाराय दबाहु बाराय नमो नरोदे बोतारे। और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि शांति निकेतन के खुले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे। ऐशो कर्मी, ऐशो ज्ञानी, ऐशो जन कल्याणी, ऐशो तपस राजो है, ऐशो है दिशक्ति, संपद मुक्ता बंधो समाज है। हे श्रमिक साथियों, हे जानकार साथियों, हे समाजसेवियों, हे संतों, समाज के सभी जागरूक साथियों, आइए समाज की मुक्ति के लिए मिलकर के प्रयास करें। आपके कैंपस में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले, एक पल भी बिताने वाले का यह सौभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये विजन मिलता है। साथियों, विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नींव ही अनुभव आधारित शिक्षा के लिए रखी गई। ज्ञान की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको ये भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान, विचार और स्किल स्टैटिक नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, स्थिर नहीं है, ये जीवंत है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइश भी हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। लेकिन नॉलेज और पावर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और संवेदनशील रहना पड़ता है, रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर विद्वान को, हर जानकार को भी उनके प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ति है। आपका ज्ञान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की, देश की, अरे भावी पीढ़ियों की भी वो धरोहर है। आपका ज्ञान, आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती है और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं, प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात को माइंडसेट का है।
आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का, ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी बुद्धि, उसी वैभव को सत्कार्य के लिए लगाएंगे तो परिणाम एक मिलेगा, दुष्कर्म के लिए लगाएंगे तो परिणाम दुष्कर्म मिलेगा। अगर हम ही सिर्फ अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबतें देखते आएंगे, समस्याएं देखते आएंगे, नाराजगी देखते आएंगे, आक्रोश नजर आएगा। लेकिन अगर आप खुद से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉल्यूशन ढूंढने का मन करेगा, सॉल्यूशन नजर आएगा। बुरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढूंढने का, उसमें से अच्छाई का, परिवर्तन का मन करेगा और आप स्थितियां बदलेंगे भी, आप स्वयं भी अपने आप में एक सॉल्यूशन बन करके उभरेंगे। अगर आपकी नियत साफ है और निष्ठा मां भारती के प्रति है तो आपका हर निर्णय, आपका हर आचरण, आपका हर कृति किसी न किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा। सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं करती है। हो सकता है आपको किसी फैसले के बाद जैसा सोचा था वैसा परिणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए। एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगने लगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अगर फैसले लेने का हौसला चला गया तो मान लीजिए कि आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे। जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा तब तक कम से कम मुझे देश की, भविष्य की चिंता नहीं है। और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड़ आबादी में इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति हो तो मेरा भरोसा और मजबूत हो जाता है, मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहौल चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी, इतना ही नहीं 130 करोड़ का संकल्पों से भरा हुआ, सपनों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है। साथियों, विश्व भारती के 100 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर जब मैंने आपसे बात की थी तो उस दौरान भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था। यहां से जाने के बाद जीवन के अगले पड़ाव में आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे। साथियों, आज जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का हमें गर्व है, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की याद आती है, महान गांधीवादी धर्मपाल जी। आज महान गांधीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जयंती है। उनकी एक रचना है, द ब्यूटिफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मन करता है उसका जिक्र मैं जरूर करूं। और बंगाल की धरती, ऊर्जावान धरती के बीच जब आ रहा हूं तब तो मेरे स्वाभाविक मन करता है कि मैं जरूर धर्मपाल जी के उस विषय को मैं आपके सामने रखूं। धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने
थॉमस मुंद्रो द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय शिक्षा सर्वे का ब्यौरा दिया है। 1820 में हुए, 1820 यानी करीब 200 साल, 1820 में हुए इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबको हैरान भी करती हैं और गौरव से भर देती हैं। उस सर्वे में भारत की साक्षरता दर बहुत ऊंची आंकी गई थी। सर्वे में यह भी लिखा था गया था कि कैसे हर गांव में एक से ज्यादा गुरुकुल थे और जो गांव के मंदिर होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, वे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले एक अत्यंत पवित्र कार्य से भी गांव के मंदिर जुड़े हुए रहते थे, वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में बल देने में प्रयास करते थे। हर क्षेत्र, हर राज्य में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर क्षेत्र हर राज्य में तब महाविद्यालयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना बड़ा उनका नेटवर्क था। उच्च शिक्षा के संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। भारत पर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थोपे जाने से पहले थॉमस मुंद्रो ने भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ताकत को अनुभव किया था, देखा था। उन्होंने देखा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी वाइब्रेंट है, ये 200 साल पहले की बात है। इसी पुस्तक में विलियम एडम का भी जिक्र है जिन्होंने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में 1,00,000 से ज्यादा विलेज स्कूल थे, ग्रामीण विद्यालय थे। साथियों, ये बातें मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कितनी गौरवपूर्ण थी, कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी। और बाद में अंग्रेजों के कालखंड में और उसके बाद के कालखंड में हम कहां से कहां पहुंचे, क्या से क्या हो गया। गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्थाएं विकसित की, जो पद्धतियां विकसित की, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने, भारत को आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। अब आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। ये शिक्षा नीति एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। ये शिक्षा नीति रिसर्च को, इनोवेशन को बल देती है, बढ़ावा देती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये शिक्षा नीति भी एक अहम पड़ाव है। देश में एक मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार
जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी में छठी क्लास से ही कारपेंट्री से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेक स्किल सेट्स पढ़ाने की योजना इसमें है, जिन स्किल्स से लड़कियों को दूर रखा जाता था। शिक्षा नीति बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होने के कारणों को गंभीरता से स्टडी किया गया है। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता, डिग्री कोर्स में एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले, इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथियों, बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया और यह गौरवपूर्ण बात है। बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी रहा है और कर्म स्थली भी रहा है। शताब्दी समारोह में चर्चा के दौरान मैंने इस पर भी विस्तार से अपनी बात रखी थी। आज जब भारत 21वीं सदी की नॉलेज इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी नजरें आप पर है, आप जैसे नौजवानों पर है, बंगाल की ज्ञान संपदा पर है, बंगाल के ऊर्जावान नागरिकों पर है। भारत के ज्ञान और भारत की पहचान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में विश्व भारती की बहुत बड़ी भूमिका है। इस वर्ष हम अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व भारती के प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से देश को सबसे बड़ा उपहार होगा कि भारत की छवि को और निखारने के लिए हम सब मिलकर के और विशेष करके मेरे नौजवान साथी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। भारत जो है, जो मानवता, जो आत्मीयता, जो विश्व कल्याण की भावना हमारे रक्त के कण कण में है, उसका एहसास बाकी देशों को कराने के, पूरी मानव जात को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा संस्थाओं का नेतृत्व करना चाहिए। मेरा आग्रह है अगले 25 वर्षों के विश्व भारती के विद्यार्थी मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए। जब आजादी के 100 साल होंगे, वर्ष 2047 है, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का समारोह बनाएगा, तब तक विश्व भारती के 25 सबसे बड़े लक्ष्य क्या होंगे, ये इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे जा सकते हैं। आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें, लेकिन कोई न कोई लक्ष्य अवश्य तय करें। आपने अपने क्षेत्र के अनेक गांवों को गोद लिया हुआ है, क्या इसकी शुरुआत हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने से हो सकती है? पूज्य बापू ग्राम राज्य की जो बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, मेरे नौजवान साथियों, गांव के लोग, वहां के शिल्पकार, वहां के किसान, इन्हें आप आत्मनिर्भर बनाइए, इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनिए। विश्व भारती तो बोलपुर जिले का मूल आधार है, यहां के आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों में विश्व भारती रचा बसा है, एक जीवंत इकाई है। यहां के लोगों को, समाज को सशक्त करने के साथ ही आपको अपना बृहद दायित्व भी निभाना है। आप अपने हर प्रयास में सफल हो, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदले। जिन उद्देश्यों को लेकर के
विश्व भारती में कदम रखा था और जिन संस्कारों और ज्ञान की संपदा को लेकर आज जब विश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीज पर रख रहे हैं, तब दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ अपेक्षा करती है और इस मिट्टी ने आपको संवारा है, आपको संभाला है और आपको विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है, मानव की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है, आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जवानी है, ये आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी, देश के काम आएगी। 21वीं सदी में भारत अपना उचित स्थान प्राप्त करे, इसके लिए आपका सामर्थ्य बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, ये पूरा विश्वास है। और आप ही के बीच में, आप ही का एक सही यात्री होने के नाते मैं आज इस गौरव क्षण में अपने आप को धन्यवान मानता हूं और हम सब मिलकर के इस गुरुदेव टैगोर ने जिस पवित्र मिट्टी में से हम लोगों को शिक्षित किया है, संस्कारित किया है, हम सब मिलकर आगे बढ़े, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, आपके माता पिता को मेरे प्रणाम, आपके गुरुजनों को प्रणाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम, आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं माननीय उपाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन से हमें प्रेरित करें। मैं अपने तरफ से मेरा जो आचार्य है नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं और ये अनुरोध करता हूं, सर एक बार आप खुद आ जाइए, ये वर्चुअली में दिल मानता नहीं, से अनुरोध है, मेरा भी नहीं मानता है। हाँ सर, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा सबका तरफ से, आप प्लीज एक बार आ जाइए यहाँ पे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद सर। आशीर्वचन छात्रदের জন্য, यहाँ पे छात्र तो नहीं, যারা শুনছে তাদের জন্য বলছি, সত্য বলো, ধর্ম আচরণ করো, স্বাধ্যায় থেকে বিরত হয়ো না, সভ্য থেকে বিচ্যুত হয়ো না, ধর্ম থেকে বিরত হয়ো না, শুভকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ো না, মাতৃভক্ত হও, পিতৃভক্ত হও, আচার্য ভক্ত হও, অনবদ্য কর্মেরই অনুষ্ঠান করবে, অন্য কর্মের নয়, আমাদের সদাচারে অনুবর্তন করবে, অন্য আচারের নয়, পাষাণের মতো দৃঢ় হও, পরশুর মতো তীক্ষ্ণ হও, হিরণ্যখণ্ডের মতো মূল্যবান হও, কল্যাণময় হও, সর্বমানবের বন্ধু ও বীর্যবান রক্ষক হও, হে সম্য শতবর্ষ জীবন লাভ করো। ধন্যবাদ। मैं अभी ये दीक्षांत समारोह को समाप्त घोषणा करता हूँ। दीक्षांत समारोह समाप्ति घोषणा करछि। I declare the convocation closed। আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি নিকেতন, সেজে সবতে আপন, আমাদের সব আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি নিকেতন, ওটার আকাশ পাড়া কোলে মোদে দোলে, হৃদয় দোলে ওটার আকাশ পাড়া কোলে মোদে দোলে, হৃদয় দোলে মোরা বারে বারে দেখি তারে, নিত্য নূতন আমাদের শান্তি নিকেতন, মোদের নীল গগনে সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা, মোদের তরু মূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠে খেলা, মোদের নীল গগনের সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা, শালের ছায়া বিধি বাজায় বনের কল বিধি, সদাই শালের ছায়া বিধি বাজায় বনের কল বিধি, সদাই পাতার নাচে মেতে আছে
Jai 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 Jai